कौन से वार्ड की कौन सी महिला कॉर्पोरेटर है, क्या आपको उसका नाम पता है? कटकट गेट जो एक एरिया है जो कि मुस्लिम महिला कॉर्पोरेटर के आरक्षण में था, वहाँ की नगर सेविका का नाम क्या है? शाहबाजार की नगर सेविका का नाम क्या है? किरारपुरे की नगर सेविका का नाम क्या है? मिल कॉर्नर की नगर सेविका का नाम क्या है? महिला कॉर्पोरेटर जो मैदान में उतरती है नगर सेविका बनने के लिए, तो वो 5 साल नजर क्यों नहीं आती? वो जाती कहाँ है और इलेक्शन किसके लिए लड़ती है? वो इलेक्शन उनको पब्लिक के लिए लड़ना है। पब्लिक के बीच में जब वो आती है, पब्लिक के वोट लेती है, तो फिर आखिर 5 साल के बाद में वो कहाँ जाके छुप जाती? 5 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे तो वो महिला कॉर्पोरेटर ने इलेक्शन का चुनाव लड़ी थी या फिर उनके ये शौहरों ने इलेक्शन लड़े थे? औरंगाबाद की जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, मेरा उनसे यही पहला सवाल रहेगा कि आप ऐसी महिलाओं को मतलब मैदान में उतारिए जो 5 साल तक सक्षम होकर महानगर पालिका के अंदर काम कर सके, जनता के बीच में जा सके, औरतों की समस्याओं को सुन सके, उनकी महानगर पालिका से जो स्कीम होती है वो स्कीम उन महिलाओं तक पहुंचा सके। बात पता है कि आप पर्दा नशीन हैं, पर्दे के अंदर रहती हैं और पब्लिक के मतलब समाधान को हल नहीं कर सकती ना, मतलब जनता के बीच में जा सकती है ना, जनता के बीच में रहकर आप काम कर सकती है ना ही किसी महिला की मतलब कोई तकलीफ को सुन सकती है। तो बड़ा मेहरबानी ऐसी महिलाएं मतलब मैदान में बिल्कुल भी ना आए और सियासी पार्टी ऐसी महिलाओं को टिकट भी ना दे। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन बहुत जल्द आने वाले हैं और जैसे 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है प्रशासन की तरफ से, जाहिर है कि इलेक्शन में भी जो है तो महिलाएं इलेक्शन लड़ेंगी, खड़े होंगी, लेकिन जब चुनकर आ जाती है महिलाएं तो वार्ड में कहीं पर नज़र नहीं आती है। नज़र आते हैं तो उनके पिताजी, उनके भाई या उनका बेटा या शौहर, ये 4 ही लोग नज़र आते हैं। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे कॉर्पोरेटर के बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है तस्नीम ममदानी। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि महानगर पालिका के जो इलेक्शन होते हैं जिसके लिए महिलाओं के लिए 50% या 25% जो आरक्षण छूटता है और महिला कॉर्पोरेटर की मतलब महिला कॉर्पोरेटर जो मैदान में उतरती हैं नगर सेविका बनने के लिए, तो वो 5 साल नज़र क्यों नहीं आती? वो जाती कहाँ है और इलेक्शन किसके लिए लड़ती है? वो इलेक्शन उनको पब्लिक के लिए लड़ना है। पब्लिक के बीच में जब वो आती है, पब्लिक के वोट लेती है, तो फिर आखिर 5 साल के बाद में वो कहाँ जाके छुप जाती है? और फिर क्यों उनके शौहर 5 साल तक महानगर पालिका के अंदर आके नुमाइंदगी करते हैं ये बोलकर कि मैं इनका शौहर हूँ या तो फिर मैं माझी हूँ या मतलब अभी ख़त्म हो गए फिर भी मतलब माझी वगैरह का नाम और मतलब स्टिकर लगे हुए हैं। तो मुझे तो पहले ये बताइए कि हमारे औरंगाबाद के मुस्लिम कॉर्पोरेटर महिलाओं के नाम क्या है? मुझे तो वो भी याद नहीं है। ऐसी कोई महिला कॉर्पोरेटर मुझे 5 साल तक काम करती हुई नज़र नहीं आई। तो क्या 5 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे तो वो महिला कॉर्पोरेटर ने इलेक्शन का चुनाव लड़ी थी या फिर उनके ये शौहरों ने इलेक्शन लड़े थे? जी अच्छा, अब उन पार्टियों को क्या कहेंगे जो ये बोलकर टिकट देते हैं महिलाओं को? मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सभी पार्टियां महिलाओं को ये बोलकर टिकट देते हैं और भाषणों में कहते हैं कि हम महिलाओं को इसलिए टिकट दे रहे हैं यहाँ से कि ये आप जो लेडीज़ है अपने पर्सनल बात शेयर कर सकती है, अपने मैटर लेकर आ सकते हैं, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन वो महिला उनसे बात बाद में करने को तैयार नहीं होती क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता है। ऐसे पार्टियों के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मेरा औरंगाबाद की जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, मेरा उनसे यही पहला सवाल रहेगा कि आप ऐसी महिलाओं को मतलब मैदान में उतारिए जो 5 साल तक सक्षम होकर महानगर पालिका के अंदर काम कर सके, जनता के बीच में जा सके, औरतों की समस्याओं को सुन सके, उनकी महानगर पालिका से जो स्कीम होती है वो स्कीम को उन महिलाओं तक पहुँचा सके। जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर मतलब जब जाती है महिला कॉर्पोरेटर तो वहाँ भी मतलब वो बात करने के लिए हिचकिचाती है। तो क्यों आखिर ऐसा क्या वजह है जो वो हिचकिचाती है? मतलब क्योंकि उनके शौहर उनको जो बोलते हैं वो वही बोलना चाहती है। तो ऐसे महिला मैदान में आना ही नहीं चाहिए। और सबसे पहली बात, सियासी जितनी भी पार्टी है हमारे शहर में, ऐसी महिलाओं को मतलब टिकट देना ही नहीं चाहिए जो 5 साल तक ना सक्षम रह सकती है, ना ही मतलब मुस्लिम महिलाओं की या किसी भी कास्ट की महिलाओं की मतलब कोई समस्या सुन ही नहीं सकती और घर की 4 दीवारी में ही रहना है उसको, तो फिर मैदान में आने की जरूरत क्या है? अच्छा, बाद में फिर ये हवाला दिया जाता है, खासतौर से मुस्लिम कॉर्पोरेटर जो लेडीज़ है, गोशे पर्दे का हवाला दिया जाता है कि भाई गोशा पर्दा है इसलिए बाहर नहीं आ रहे,
या हमारा खानदान का नाम बहुत बड़ा है, हमारा नाम बहुत बड़ा है, हमारी घर की लेडीज को हम आम जनता के बीच में कैसे जाने देंगे, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें। जब आपको ये बात पता है कि आप पर्दा नशीन है, पर्दे के अंदर रहती हैं और पब्लिक के मतलब समाधान को हल नहीं कर सकती ना, मतलब जनता के बीच में जा सकती है ना, जनता के बीच में रहकर आप काम कर सकती है ना ही किसी महिला की मतलब कोई तकलीफ को सुन सकती है, तो बड़ा मेहरबानी ऐसी महिलाएं मतलब मैदान में बिल्कुल भी ना आए और सियासी पार्टी ऐसी महिलाओं को टिकट भी ना दे, बल्कि ऐसी महिलाओं का चुनाव करे, ऐसी महिलाओं का सिलेक्शन करे जो 5 साल तक मतलब महानगर पालिका की जनरल बॉडी मीटिंग में भी नजर आए और खुद महिलाओं की या आम जनता की जितनी भी तकलीफ प्रॉब्लम है वो सारी मतलब अपनी मर्जी से बयान कर सके, ऐसी महिलाओं को मतलब टिकट दो जो पर्दा नशीन है या उनके शौहर चुनाव होने के बाद में उनको बोलते हैं तुम चार दीवारी में रहो, तो शौहर के वह एक वोट से वो चुनकर नहीं आई है, वो आई है अपने वार्ड के वोटों से चुनकर आई है, अपने वार्ड की तमाम महिलाओं तमाम जनता की उसका काम है कि जिम्मेदारी का पूरी तरीके से फर्ज निभाए। अभी आपने देखा होगा कि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा क्रेज है और पढ़ी लिखी कारपोरेटर होना एक बहुत बड़ी बात होती है, पुलिस है, डॉक्टर है, जो लेडीज़ है वो जो रिटायर हो गई है, तो जो पार्टीज है उन्होंने ऐसे पढ़े लिखे जो लेडीज़ अब रिटायर हो चुकी है या डॉक्टर है इनको बुला करके टिकट नहीं देना चाहिए क्या, आपका क्या कहना है, और वो महिलाओं ने अब आगे आना चाहिए क्या? सबसे मेन बात तो यही कि मतलब जो महिलाओं का राजनीति में सियासत में मतलब अगर इंटरेस्ट है और इस तरह की जो रिटायर्ड महिला है जो जनता के बीच में जाकर काम करना पसंद करती है तो सबसे पहला मतलब इन्हीं लोगों को टिकट देना चाहिए सियासी पार्टियों ने, और यही महिलाओं को मतलब जो पढ़ी लिखी महिला है वही जितना मतलब शहर का विकास कर सकती, उसके अलावा तो दूसरी कोई महिला कर नहीं सकती। अभी आजकल मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मेरा सवाल तमाम औरंगाबाद के लोगों से है, मुझे ये बताइए कि हमारे मुस्लिम एरिया में मतलब कितने वार्ड है जो मुस्लिम लेडीज आरक्षण छूटे थे, मतलब जिसमें से मैं को ये बताओ कि कौन से वार्ड की कौन सी महिला कॉर्पोरेटर है, क्या आपको उसका नाम पता है? कटकट गेट जो एक एरिया है जो कि मुस्लिम महिला कॉर्पोरेटर के आरक्षण में था, वहाँ की नगर सेविका का नाम क्या है? शाह बाजार की नगर सेविका का नाम क्या है? किरारपुरे की नगर सेविका का नाम क्या है? मिल कॉर्नर की नगर सेविका का नाम क्या है? नगर सेविका चुनकर मैदान में उसी वक्त आती है जब वोट लेती, उसके बाद में वो गायब हो जाती, तो फिर मैदान में क्यों आती? हमको ऐसी महिलाओं की जरूरत ही नहीं है जो इस तरह से जनता को मतलब खुल्ला खुल्ला धोखा दे, उनके वोट ले ले और बाद में वो 5 साल तक गायब हो जाए, ये कानून का सरासर उल्लंघन है। इसके अलावा मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं, जितने भी पार्टी है औरंगाबाद शहर की सियासत पार्टी और जो भी इस तरह की महिलाओं को मैदान में उतारते हैं तो वो सबसे पहले महानगर पालिका का एक एक्ट है, वो एक्ट को पूरी तरीके से पढ़ लो, उस एक्ट के पेज में एक पेज ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी महिला कॉर्पोरेटर जब इलेक्शन लड़ती है उसके बाद उसका ना शौहर ना उसका भाई ना ही पीए बोलकर कोई आदमी उसकी नुमाइंदगी कर सकता है सिवाय उसी महिला कॉर्पोरेटर के अलावा, कोई नहीं नुमाइंदगी कर सकता जी। जो वार्डों की जनता है उनके लिए आपका क्या मैसेज है खास, किस तरीके से वोटिंग करना चाहिए और कैसी महिलाओं को चुनकर देना चाहिए? अभी मेरा एक ही बात बोलना है कि अभी अब जो इलेक्शन होंगे तो ऐसी महिलाओं को इलेक्शन में मतलब वोट दें जो 5 साल तक आप लोगों को नजर आए, आप लोगों के बातें सुने, आपकी तकलीफों का मतलब समाधान कर सके और 5 साल तक वो आपको नजर आए, मतलब ऐसी महिलाओं को वोट देना चाहिए और ऐसी महिलाओं को मतलब चुनकर देना जो हमको 5 साल तक काम करती हुई नजर आए। आप भी किसी पार्टी से इच्छुक उम्मीदवार है या आपको अगर टिकट मिलता है तो आप किस तरीके से जनता में काम करेंगे जनता के? देखो मैं सबसे पहले तो कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करती, मैं किसी सियासत पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे कभी भी कोई पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो ज़रूर मैं मतलब पूरी तरीके से जितना मैं बोल रही हूँ उसी तरह 5 साल तक पब्लिक के बीच में रहकर मैं काम करूँगी और ये काम करके इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँ। और उससे बड़ा दीवाना वो शौहर वो भाई जो अपने आप को माझी बोलने लगा रहे थे, ये माझी नगर सेवक है, सबसे बड़ा सियासत का दीवाना वो ही है, उसके अलावा मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा दीवाना नहीं देखी। मैं बोलने जा रही हूँ तमाम पब्लिक को मतलब पूरे औरंगाबाद शहर को और इस तरह की जो माझी नगर सेवक है उनको मेरा ये एक मैसेज है और तमाम सियासी पार्टियों के लिए भी कि ऐसे माझी नगर सेवक मेहरबानी करके महानगर पालिका का एक एक्ट है, उस एक्ट का एक फॉर्म है उसको पढ़ लो कि इस तरह का कहीं भी कोई रूल नहीं है
के महिला नगर सेविका के अलावा उसका भाई, उसका शौहर या उसका बेटा उसकी जगह पर नुमाइंदगी कर सकता है। मेरा नाम है तस्नीम ममदानी, मैं हूँ औरंगाबाद की एक सोशल वर्कर, ज़्यादा करके मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ।